हिंदुस्तान में एक ऐसे बाबा हैं जिन्होंने कई सालों से किसी भी प्रकार के अन्न को ग्रहण नहीं किए हैं। वो बाबा 24 सालों से महादेव के एक अद्भुत धाम बनाकर धुनी रमाए बैठे हैं। हठयोग शब्द आपने अपने जीवन में जरूर सुने होंगे। हठयोग की बात करें तो ऐसा बताया जाता है कि अंतर्मुखी योग करने की एक ऐसी प्राचीन भारतीय साधना है जो कि पुराने जमाने में साधु और बड़े बड़े महात्मा किया करते थे। अपने गृहस्थ जीवन को त्याग कर कहीं दूर पहाड़ों में जाकर बिना किसी अन्न जल ग्रहण किए कई सालों तक तपस्या या साधना किया करते थे। परंतु अगर हम आज के जमाने में यह बात कहें कि आज के जमाने में भी हठयोग किया जाता है तो शायद आप इस बात के ऊपर यकीन ना कर पाए। परंतु आज हम श्री सत्यनारायण बाबा के बारे में बात करने वाले हैं जो पिछले 24 सालों से हठयोग साधना में लीन हैं। बताया जाता है कि श्री सत्यनारायण बाबा 16 फरवरी सन 1998 से लेकर अब तक तपस्या में लीन हैं। आइए अब जानते हैं बाबा सत्यनारायण के हठयोग बनने के पीछे की पूरी कहानी। अवतारी पुरुष महान तपस्वी श्री सत्यनारायण बाबा जी का जन्म ग्राम देवरी डुमरपाली जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ में 12 जुलाई सन 1984 को मध्य वर्गीय कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री दयानिधि साहू तथा माता का नाम श्रीमती हंसमती साहू। बाबा जी का बचपन का नाम हल्दर था, परंतु इनके पिता इन्हें सत्यम कहकर पुकारा करते थे। बाबा जी को बाल्यावस्था से ही भगवान शिव स्वप्न में दर्शन देने लगे थे, जिनके बारे में बाबा जी अक्सर अपनी माँ एवं दादी को बताया करते थे। बताया जाता है कि एक बार हल्दर गांव के ही शिव मंदिर में 7 दिन और 7 रात तक ध्यान लगाकर शिव उपासना में बैठ गए थे। उसके बाद बाबा निरंतर अपने इष्ट देव में ही खोए रहते थे। भगवान शिव के प्रति उनकी आस्था देखकर गांव के बड़े बूढ़े एवं घर परिवार के लोग इन्हें सत्यनारायण के नाम से भी पुकारा करते थे। बाबा सत्यनारायण 16 फरवरी सन 1998 को आम दिनों की भांति घर से स्कूल जाने के लिए निकले थे, परंतु स्कूल न जाकर अपने इष्ट देव का नाम जाप करने के लिए ईश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित उचित स्थान की तलाश में चल पड़े। अपने पैतृक ग्राम देवरी डुमरपाली से 18 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम कोसम नारा के उजाड़ जगह पर इनकी तलाश पूरी हुई और सत्यनारायण ने यहीं पर अपनी तप स्थली बना डाली। उस दिन एक पत्थर को शिवलिंग मानकर अपनी जिह्वा अर्पण कर तपस्या में लीन हो गए। लगभग एक सप्ताह बाद एक सेवक ने शिवलिंग के बाजू में बाबा जी से आज्ञा लेकर अग्नि या धुनी प्रज्वलित कर दिया, जो आज अखंड धुनी के रूप में निरंतर प्रज्वलित है। आरंभ में बाबा जी की तपस्या को आम लोगों द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा था। कुछ लोगों द्वारा परेशान एवं बाबा जी को अपने स्थान से उठाने का प्रयास कई लोगों द्वारा किया गया था। बाबा जी की तपस्या को देखकर जहां परेशान करने वाले बढ़ रहे थे, वहीं श्रद्धालुओं भक्तों की संख्या भी बढ़ने लगी। बाबा जी की तपस्या की ख्याति धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगी। बताया जाता है कि भारी संख्या में भक्त जन दर्शन करने के लिए आने लगे और मनवांछित फल पाने लगे। धीरे धीरे बाबा जी का धाम अपना स्वरूप लेने लगा और पत्थरों की जगह शिवलिंग की स्थापना की गई, धुनी की जगह हवन कुंड बनाया गया,
तथा बगल में जगत जननी अष्टभुजी दुर्गा माता का मंदिर भी निर्माण किया गया। बताया जाता है कि श्री सत्यनारायण बाबा 16 फरवरी सन 1998 से लेकर अब तक साल के तीनों मौसम में ईश्वर की साधना में लगातार तपस्यारत रहते हैं। गर्मी से चिलचिलाती व तपतपाती असहनीय धूप, वर्षा काल का व बारिश का मौसम, बादल का गर्जन तथा बिजली की चकाचौंध करने वाली चमक, तथा ठंड ऋतु में व पूस की कपकपाने वाली रात जो शरीर में सिहरन पैदा कर दे, मैं भी बाबा जी खुले आसमान के नीचे सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक निरंतर तपस्यारत रहते हैं। अगर हम बाबा जी की आहार की बात करें तो जल दूध एवं फल आहार के रूप में लेते हैं। बाबा जी ऐच्छिक नित्य क्रिया करते हैं। श्री सत्यनारायण बाबा धाम में कुछ विशेष त्योहारों पर कुछ विशेष आयोजन किए जाते हैं। 16 फरवरी स्थापना दिवस, महाशिवरात्रि, 12 जुलाई बाबा जी का जन्म दिवस, गुरु पूर्णिमा तथा सावन सोमवार। श्री सत्यनारायण बाबा प्रतिदिन सुबह 6 से 7 एवं रात्रि के 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक तथा शनिवार को रात्रि 12:30 बजे से लेकर 5 बजे तक आने वाले सभी भक्तों से मुलाकात करते हैं और बाबा जी अपनी बातों को भक्तों को इशारे के रूप में कहते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी तरह धमाकेदार वीडियो अपडेट की जानकारी के लिए बेल बटन को दबाना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।